आज हम आपको दिखाते हैं Oppo F7 फोन, यानी कि Oppo कंपनी का F7 फोन जो है वो बहुत ही बढ़िया फोन है। रेंज के मामले में देखें तो भी इसकी कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, करीब 20 से 25,000 के बीच आराम से मिल जाता है, कहीं भी ले लो। और मैंने ये ख़रीदा है लाडलू के मदीना मोबाइल दिल्ली रोड से, करीब 21,000 कुछ रुपए के आसपास ही आया है। अभी ये नया चमचमाता फ़ोन Oppo F7 फ़ोन से आपको हम करवाते हैं रूबरू कि कैसा फ़ोन है, इसके फीचर क्या है, कैसा लगता है ये। तो अभी अपन ये नया चमचमाता Oppo F7 ओपन करते हैं। तो ये अपना Oppo F7 फ़ोन जो है वो अपन पैकिंग से ओपन करते हैं। अपने जैसे ही ओपन किया तो ये अपना आया Oppo F7 फोन, यानी पॉलीथीन के अंदर जो बहुत ही शानदार ब्लैक कलर का ये फोन है आप देख सकते हैं। और अपन ने इसको जैसे ही ओपन किया तो ये अपना, ये इसका बैक है और ये इसका बैक कैमरा है, ये सामने का कैमरा है। और ये देखिए आप, मतलब बहुत ही क्लासिक फोन है, हाथ के अंदर भी बहुत प्यारा लगता है। अब अपन देखते हैं इसके साथ अपन को इस सीरीज में और क्या क्या मिलता है। ये अपन ने ओपन किया तो ये अपन को मिलती है सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड डालने के लिए इसकी चाबी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं और अपन को इसमें क्या मिलता है। ओहो वाह, कितना सुंदर कवर है, इसका कवर भी अपन को कंपनी दे रही है, कंपनी का कवर अपन को मिल रहा है इसके साथ, मतलब फोन Oppo F7 प्लस इसका कवर, ठीक है। ये अपन ने रख दिया साइड में। उसके बाद अपन देखते हैं एसेसरीज में अपन को और क्या मिलता है। तो देखिए आप, इसके अंदर अपन को मिला है कि चार्जर, इसका चार्जर बहुत ही अच्छा चार्जर ये है, मतलब 0.4 एम्पेयर का ये चार्जर, यानी बहुत ही जल्द मोबाइल को ये चार्ज कर देता है, मतलब क्वालिटी में भी अच्छा दिख रहा है और चार्जिंग में 4 एम्पेयर का चार्जर है ये। इसके बाद अपन को मिलती है इसकी USB ये केबल, ओके, इससे अपन चार्ज भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अपन को मिलता है ये एयरफोन, यानी कंपनी ने एयरफोन भी बहुत अच्छा एयरफोन दो देख सकते हैं आप। तो कुल मिला के अपन को ये एक मिल गया एयरफोन और ये अपन का चार्जर, ये USB केबल। अब बात करते हैं अपन फोन की, तो फोन के अंदर अपन को क्या क्या फीचर मिलते हैं उनकी अपन बात करते हैं, ठीक है। हमने फोन को ऑन किया, ये अपना ऑन हो गया Oppo। ये देखिए आप कितना सुंदर है, जो हाथ में बड़ा क्लासिक फोन लग रहा है, यानी कि जैसे अपन कोई ज़्यादा ब्रांडेड, ज़्यादा हाई लेवल पे अगर फोन पे जाते हैं 70-80 हज़ार रुपये के फ़ोन, उसके बराबर ये अपन इसको मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अच्छा इस रेंज में अपन को ये फ़ोन मिल रहा है। मतलब इसके आइकॉन देख के, इसके डिस्प्ले पे जो बैकग्राउंड डिस्प्ले है ये इसका खुद का है। और ये देखिए कितने सारे अच्छे फीचर इसके हैं। इसका जो ये कैमरा है फ्रंट साइज, ये अपन को मिलता है 25 मेगापिक्सल। ये देखिए प्रोसेसर है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, यानी ऑक्टा कोर प्रोसेसर अपन को मिल रहा है। रैम अपन को मिल रही है 4 GB, डबल सिम कार्ड है, यानी अपन 2 सिम कार्ड इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्टोरेज यानी मेमोरी जो इसकी है वो अपन को बहुत ही अच्छी मिल रही है, मतलब 64 GB ये इसकी मेमोरी अपन को मिल रही है। रैम इसकी 4 GB अपन को मिल रही है। और इसका जो फ्रंट साइज कैमरा है वो है 25 मेगापिक्सल, यानी कि कैमरा क्वालिटी जो इसकी है वो बहुत ही शानदार क्वालिटी है। तो कुल मिला के अपन देखते हैं कि इस रेंज के अंदर, यानी 20 से 25 हज़ार की रेंज के अंदर अगर अपन कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो अपन को मेरे हिसाब से Oppo F7 लेना चाहिए,
ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसकी जो सामने की स्क्रीन है वो भी फुल स्क्रीन है, देखिए आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन है इसकी। और ये जो ब्लू कलर दिया गया है, इसकी डिज़ाइन दिया गया है, अगर इस अपन इसको लॉक कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए जो डिस्प्ले पे रहता है तो ये रहता है अपने, तो मतलब बहुत अच्छा फ़ोन है भाई। मेरे को तो बहुत अच्छा फ़ोन लगा, ये बहुत ही शानदार और क्लासिक फ़ोन है ये। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी लाल घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो जो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।